नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज 11 नवंबर और 11 नवंबर के जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कानून सेवा दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 9 नवम्बर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलन 2020 अभ्यास के लिए मिड प्लानिंग सम्मेलन कहाँ सम्पन्न हुआ? तो सम्पन्न हुआ विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया? तो लगाया बिहार सरकार ने, और यह 31 दिसंबर 2021 से बंद हो जाएंगे, मतलब 2021 से ये बंद हो जाएंगे, 31 दिसंबर 2021 तक बंद हो जाएंगे। और इनके पास जो ऑटो चालक हैं, इनके पास दो ही ऑप्शन होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएं ये या तो फिर सीएनजी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत जल प्रतिबंध दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो मनाया गया था पुणे में। ये सतत जल जो है, जिसमें जो बारिश में पानी होता है उसको कैसे इकट्ठा करना है और किस तरह से उसको यूज़ करना है, इसके लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो कि पुणे में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निकोला एडस का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये थे मुक्केबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्चर फ्यूचर नामक पेंटरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 85वीं जो IFFI की क्लोजिंग फिल्म है, जो क्लोजिंग फिल्म कौन से चुनी गई है? तो क्लोजिंग फिल्म चुनी गई है मर्दे एंड हर मर्दर, जिसमें से ये मर्दे लड़की का नाम है और उसकी माँ के साथ ये पूरी फिल्म मतलब बनी हुई है। ये IFFI क्या है? तो यह इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एस सी ओ की 10वीं बैठक भारत के प्रतिनिधि में किसने की है? तो ये अमित शाह ने की है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी बैठक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं नीदरलैंड की 3 दिवसीय यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल विकास की टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया? तो ये उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा की बात है, उड़ीसा की जो है वो राजधानी क्या है? तो है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूल के जो माध्यम उनको अंग्रेजी में करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश ने इसको, जो जहाँ पर जो स्कूल हैं सभी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में करने की घोषणा की है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह ब्राज़ील में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने पहले इलेक्ट्रिक हवाई जहाज़ का अनावरण किया है? तो नासा ने इलेक्ट्रिक हवाई जहाज़ का अनावरण कर दिया है। दोस्तों कल की वीडियो का हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में AAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बने हैं अरविंद सिंह। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। जो भी सही जवाब है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।